एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, अब उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है और अब सीआरपीएफ के जवान भी ओवैसी की सुरक्षा में 24 घंटे मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ओवैसी की सुरक्षा की समीक्षा के बाद में नए आदेश जारी किए हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी पर गुरुवार को उत्तर प्रदेश के छिजारसी टोल प्लाजा के पास में अटैक हुआ था। गोलियां उन पर चली थी जब वो मेरठ से दिल्ली लौट रहे थे, तो उनकी गाड़ी पर ये फायरिंग हुई थी। इस पूरे मामले में यूपी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के नाम सचिन और शुभम है। पुलिस ने पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया है कि ओवैसी के नफरत भरे भाषण से वो नाराज थे, लिहाजा उन लोगों ने गुस्से में ओवैसी पर गोलियां चलाई। इस पूरे हमले के बाद और इस कार्रवाई पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने क्या कहा वो सुनिए। असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर गोलियों से हमला हुआ है, फायरिंग की गई है, और उसको लेकर क्या कुछ कहना है यूपी के एडीजे लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी का? सर, जिस तरीके से फायरिंग हुई है उस पर क्या क्या तथ्य निकल कर आए हैं, क्योंकि आप लोगों ने दो लोगों को गिरफ्तार भी किया हुआ है अभी तक? इस पूरे घटना में बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो व्यक्ति जिन्होंने ये घटना कारित की है उसको गिरफ्तार किया। उनके पास से नाजायज असलहे बरामद हुए तथा घटना में प्रयुक्त एक अल्टो गाड़ी भी मौके से बरामद की गई है। विस्तृत पूछताछ चल रही है और इतनी त्वरित कार्रवाई इसलिए संभव हो पाई कि चुनाव के दृष्टिकोण से लगातार बैरियर्स की चेकिंग चल रही थी और बैरियर पे उपस्थित जो पुलिसकर्मी थे उनको जैसे ही इस घटना की सूचना मिली उन्होंने बहुत ही स्विफ्टली और त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए लोगों को गिरफ्तार किए और देर रात्रि तक उस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप हो गया है। अभी और इसमें विवेचना चल रही है कि क्या और लोग भी शामिल हो सकते हैं या इसके पीछे की क्या मोटिव था, क्यों इस तरह की घटनाएं कारित की गई। लेकिन फिलहाल जो प्रारंभिक पूछताछ में ये प्रकाश में आया है कि ये लोग माननीय सांसद जी के द्वारा एक धन विशेष के विरुद्ध की गई टिप्पणियों से आहत थे तथा अयोध्या जी में जो मंदिर के बारे में जो इनकी टिप्पणियां हैं उससे भी आहत थे। फिलहाल जो भी व्यक्ति यहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रॉपर तरीके से और कठोर कार्रवाई करेगी। कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है और हम यहाँ की माहौल को किसी भी स्थिति में बिगड़ने नहीं देंगे। निश्चित तौर पर आप लोगों ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, उससे कई चीज़ें कंट्रोल में आई हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है सर कि क्या ये जो गोली चलाई गई थी इसके पीछे का मकसद सिर्फ डराना था या फिर सीधे तौर पर टारगेट किया गया था ओवैसी या उनके काफिले को? अभी जो भी तहरीर सांसद प्रतिनिधि के द्वारा दी गई है उन धाराओं में, समुचित धाराओं में हमने अभियोग पंजीकृत किया है। ये विवेचना का प्रश्न है, जिस तरह के साक्ष्य आएंगे उसके हिसाब से ही पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी।